अस्सलाम वालेकुम सेवंथ क्लास के बच्चों, मैथ के हमारा जो यूनिट U3 में आज चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटी का है, वो उसमें हमने कल एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके मैंने 2-3 पार्ट कराए थे और दो जो बचे थे वो उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। आज हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमसे पूछा गया है तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। तो यहाँ पे पूछा है, इन ए कंप्यूटर लैब देर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। आपके स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर रूम है जिसे लैब बोलते हैं, उसके अंदर 6 बच्चे हैं, वो कंप्यूटर सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर कितने हैं? 3 हैं। उसकी कंप्यूटर की जो क्वांटिटी है वो 3 है। अब कंपेयर किया है कितने बच्चों के साथ? 6 बच्चों के साथ। तो 6 बच्चे पढ़ रहे हैं 3 कंप्यूटर पे, ये हमारे पास उन्होंने आइडिया दिया है। उसके बाद हमें आगे जो पूछा गया है वो बोल रहे हैं कि अगर 24 बच्चे हमारे पास आ जाते हैं उसी लैब के अंदर, तो उनके लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए। इसका ये नहीं है कि आप पर स्टूडेंट एक कंप्यूटर आपसे पूछा गया है, फिर तो हो जाता 24 के लिए 24 कंप्यूटर। तो जैसे पहले उन्होंने बताया 6 कंप्यूटर हैं, तो 6 बच्चे हैं तो उनके लिए 6 फिर हो जाते, नहीं। यहाँ पे कंपेयर करना, ये आपको चैप्टर में बता रहा है कंपेयर क्वांटिटीज, ठीक है। तो उसके लिए 3 कंप्यूटर पे 6 बच्चे बैठाए, 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए। तो उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो हम लिखेंगे फॉर 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चों के लिए देर आर, हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? 3 कंप्यूटर्स। कितने? 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक। और 3 कंप्यूटर्स के लिए 6 बच्चे, अगर एक बच्चे के लिए कितने कंप्यूटर हैं हम उसको जरा देखें। तो हम देखते हैं, लेट्स सी फॉर ईच स्टूडेंट वी नीड, हमें जरूरत है कितने कंप्यूटर की? 3 कंप्यूटर हैं, 6 बच्चे हैं, ये हमारे पास आ गया कंप्यूटर्स। ये मेथड है इसका, आपको इसी हिसाब से जाना है। 3/6, एक कंप्यूटर, एक बच्चे पे कंप्यूटर आ गया। अब इसको हल करके आधा आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो जो आता है वो होगा, लेकिन आपको ये बताना है 3/6 एक बच्चे पे आ गया कंप्यूटर। 3 कंप्यूटर को डिवाइड कर दिया 6 बच्चों पे। तो हम अब हमसे जो पूछा गया है कि 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए, तो हम लिखेंगे सो वी नीड 4 की ये सिंबल है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया। देयरफॉर वी नीड 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो एक बच्चे के लिए हमने लिखा था 3/6, तो हमारे पास कितने बच्चे आ गए? 24। बड़ा इजी, 3/6। ये भी आपको देखो, मैथ के अंदर आपको बाहर से जवाब नहीं लाना होता है, आपका जवाब आपके क्वेश्चन में ही होता है। बस आपको जरा उसके ऊपर फोकस करना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और मैंने आंसर किस तरह निकालना है। तो 3/6, एक बच्चे पे कंप्यूटर आ गया। अगर उस तरह नहीं समझेंगे तो हम देखेंगे 3 हमारे पास कंप्यूटर है, तो 6 बच्चे हैं, 3/6 कर दिया। तो अब हमसे पूछा गया है 24 बच्चों के लिए कितना है, तो (×24), तो आप इसको यहीं पे ख़त्म करो। 6 का आप टेबल पढ़ो, 24 पर 6 × 24, अब इसको 3 × 12, ये ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 12 कंप्यूटर्स। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। 12 कंप्यूटर्स आ गए 24 बच्चों के लिए। अब यहाँ पे देखो, 6 बच्चे थे, 3 कंप्यूटर थे, यानी एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे जा रहे हैं, 3 कंप्यूटर हैं, 6 बच्चे हैं।
एक कंप्यूटर पे दो बच्चे, यानी एक पे दो बैठेंगे, दूसरे पे दो बैठेंगे हो गए चार, तीसरे पे दो बैठेंगे हो गए छह, यानी 3 दूने 6। तो उसी हिसाब से 24 के लिए हमें कितने कंप्यूटर चाहिए, 12। 12 दूने 24, यानी फिर से एक कंप्यूटर पे दो बच्चे बैठेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, यानी जैसे 3 के लिए 6, 6 के लिए 3 थे, 3 दूने 6, तो इसीलिए 12 दूने 24, तो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम इसलिए लिखेंगे इसको, हेंस वी नीड 12 कंप्यूटर, 12 कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो आपको समझ आ गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घर में ट्राई कीजिए, आप कर लेंगे। इसी तरह से कंपेयर करना होगा वहाँ पे भी। तो अब मैं आपको यहाँ पे करा देता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर उसके बाद अपलोड होने में दिक्कत आती है नेटवर्क की वीकनेस की वजह से। तो आप उसको अच्छे से घर में ट्राई कीजिए 2-3 बार, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास का ले रहा हूँ, फिर से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। आप ऐसा है कि आज जो है स्कूल कम लग रहे हैं, लग ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वीडियोस बनानी पड़ती हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो आप घर में ट्राई कीजिएगा, फिर उस तरह आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप खुद भी कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर मैं आपको फिर से क्लास दे दूंगा, या तो आपको कम्युनिटी क्लास में मैं बुला लूँगा, या फिर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, उससे आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये आज का ये जो हमारा ये क्वेश्चन था वो समझ आया होगा, और पीछे वाले जो पार्ट थे 2-3 जो बच्चे थे वो आपने किए होंगे। तो फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपकी क्लास अटेंड कर लूँगा। तो तब तक के लिए ओके, थैंक्स।